हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। मैं हूँ धीरे ने, फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ टेक्निकल टॉक से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सभी यूट्यूबर्स के लिए जिन्होंने अभी एक नए नए चैनल की शुरुआत की है, या फिर वो प्लान करें एक यूट्यूब चैनल चालू करने का, या फिर उनको टाइम हो गया। सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पे टिकटॉक को लेकर। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक जैसा कि आपको सबको पता है कि इंडिया में यहाँ पे बैन है, तो उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। साथ में हम बात करने वाले हैं FAUG 4G Fearless and United Guards के बारे में भी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, पसंद है तो लाइक कर देना, ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना, और चैनल टेक्निकल टॉक्स पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों बिना कुछ देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे 4G Fearless United Guards के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 5 मिलियन प्लस, ये देखिए 5 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं। रेटिंग की बात करें तो 3.5 स्टार इसकी रेटिंग है। 460 MB का गेम है। काफी इसके मतलब अप डाउन इसके अंदर देखने को मिले। कोई बोल रहा है कि बहुत अच्छा लगा गेम, कुछ बोल रहे हैं कि नहीं, जितना एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा नहीं लगा। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? 5 मिलियन प्लस डाउनलोड हो चुके हैं, ये भी अपने आप में एक अच्छा रिकॉर्ड है। और यहाँ पे 4G Fearless United Guards को काफी लोग पसंद कर रहे हैं, और काफी पबजी लवर्स ऐसे भी है जो बिल्कुल उनको पसंद नहीं है। आपका क्या कहना है इसके बारे में, नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे एनकोर गेम्स को चाहिए कि इस गेम पे और ज्यादा काम करने की जरूरत है, और ज्यादा इसके अंदर अपडेट्स लाने की जरूरत है, कुछ मतलब और स्पेशल करने की जरूरत है। क्या आप मेरी बात पे एग्री करते हैं? नीचे मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे टिकटॉक को लेकर। जी हाँ दोस्तों, भारत में टिकटॉक के 20 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स थे। इतने ज्यादा यूजर, इतना ज्यादा यूज किया जाता था टिकटॉक को। ऐसे में अब भारत में जो टिकटॉक के दरवाजे बंद हो गए थे, एक तरह से मैं बताऊं अस्थाई मतलब परमानेंट नहीं था जो बैन किया गया था, लेकिन अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने परमानेंट बैन कर दिया। और उससे क्या होगा, 2000 जो कर्मचारी है उनको टाटा बाय बाय बोल दिया है टिकटॉक ने। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक भारत के अंदर अपना जो भी सामान है पूरा समेट रही है, और अब यहां से भारत में सभी को बाय बाय कह रही है। दोस्तों अगर बात करें शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन टिकटॉक की, तो मतलब काफी अच्छी छाप छोड़ी है इसने यहां भारत के अंदर भी। काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो रातों रात पॉपुलर हो गए थे यहाँ पे इसकी वजह से। क्या आपने भी इसको कभी यूज किया है? काफी लोग ऐसे हैं कि हाँ, एक बार कभी ना कभी यूज जरूर किया है, मैंने भी इसको यूज करके जरूर देखा है। क्या आपने भी टिकटॉक को यूज किया है? नीचे प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों चीनी कंपनी ByteDance ने भारत के अंदर अपना जो कारोबार है उसको समेटने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने जितने भी कर्मचारी है 2000 उनसे बात की ईमेल के जरिए, उनको बताया कि हमने पूरी कोशिश की भारत के अंदर वापसी की। टिकटॉकर्स काफी ज्यादा निराश है, क्योंकि उनको अगर बात करें अदर किसी एप्लीकेशन की, ऑल्टरनेट एप्लीकेशन की, तो मोज एप्लीकेशन और भी काफी सारी एप्लीकेशन आ गई, लेकिन टिकटॉक को लगभग टक्कर कोई भी नहीं दे पाया। चाहे इसे बात करें स्वदेशी एप्लीकेशन की या और किसी एप्लीकेशन की, इंस्टाग्राम के रील्स में भी काफी ज्यादा हुआ, इसके अलावा यूट्यूब शॉर्ट्स ने भी यहां पे बाजी मारी। तो इस तरह से काफी लोगों को फायदा हुआ, जिन्होंने भी स्टार्ट की एप्लीकेशन उनको जरूर फायदा हुआ यहां पे टिकटॉक के बैन होने से। लेकिन टिकटॉकर्स की नजर में टिकटॉक के मुकाबले अदर कोई एप्लीकेशन ऐसी नहीं थी दमदार एप्लीकेशन जो उसको टक्कर दे पाए। ऐसे में यहाँ पे ByteDance ने कहा है कि हमने पूरी कोशिश की वापसी की, यहाँ पे जो भी हम कर सकते थे हमने किया, लेकिन सरकार नहीं मान पाई, और फ्यूचर में हमको उम्मीद है सरकार मानेगी, हम वापस से वापसी करेंगे। लेकिन अभी इतने टाइम तक वेट करने के बाद अब यहाँ पे हम पूरी तरह से यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, और 2000 कर्मचारी जो अब पूरी तरह से यहाँ पे बेरोजगार हो जाएंगे। एक और दोस्तों मजे की बात यह कि भारत में यहाँ पे बैन है, उधर अमेरिका की बात करें तो वहां पे भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, फिर भी 2020 में टिकटॉक पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाला एप्लीकेशन बन गया, जिसमें कंपनी ने 3.9 हजार करोड़ का मुनाफा यहाँ पे प्रॉफिट कमाया। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी टिकटॉक यूज किया है, और आपका क्या कहना है इसके बारे में? क्या आप भी बिल्कुल दुखी हो रहे हैं कि यार नहीं, टिकटॉक वापस आना चाहिए था, या फिर अदर किसी एप्लीकेशन पे आप स्विच हो गए हैं? चाहे इसे कोई भी एप्लीकेशन हो, अगर आप दूसरी कोई एप्लीकेशन यूज करें और टिकटॉक का वेट नहीं करें, तो भी नीचे मुझे कमेंट करके उस एप्लीकेशन का नाम जरूर बताएं। दोस्तों अब हम बात करते हैं यूट्यूब से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जितने भी क्रिएटर्स हैं उनके लिए गुड न्यूज है, और उनको और ज्यादा मतलब बिल्कुल मोटिवेट हो जाएंगे न्यूज देखने के बाद में। दोस्तों YouTube ने पिछले 3 सालों में क्रिएटर्स को 2.19 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। अब आप सोच लीजिए 2.19 लाख करोड़ रुपए क्रिएटर्स को यहां पे मतलब मिले, उन्होंने कमाए YouTube से। अब बात आती है YouTube ने कितना पैसा कमाया, वो भी आप अंदाजा लगा लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे क्रिएटर्स को मिल जाता है, YouTube भी उसके अंदर अच्छा खासा यहाँ पे मार्जिन अपना रखता है। लेकिन ये काफी अच्छी बात है, क्रिएटर्स जो मतलब दिन रात मेहनत करते हैं और पूरी मेहनत का उनको फल यहाँ पे मिला है।
दोस्तों कंपनी की जो सीईओ है सुसान वॉस्की, उन्होंने एक लेटर यहाँ पे जारी किया है। उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो भी नए चैनल यहाँ पे जुड़े हैं उनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, और 2020 में उनके रेवेन्यू की बात करें तो बिल्कुल डबल हो गया है। तो जितने भी यहाँ पे जैसे कोरोना वायरस का टाइम चला, लॉकडाउन का टाइम चला, ऐसे में यूट्यूब क्रिएटर्स जिन्होंने ज्यादा मेहनत करी उनको मुनाफा भी उतना ही ज्यादा हुआ। ऐसे में दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कंटेंट डालें और यहाँ पे यूट्यूब से पैसा कमाने लग जाएं। आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ओरिजिनल खुद का कंटेंट यहाँ पे पोस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है किसी का भी वीडियो डाउनलोड कर लिया और उसको अपलोड कर दिया। ऐसा करने पे आपका चैनल जितना तेजी से ग्रो होगा उतना तेजी से डाउन भी आ जाएगा, बिल्कुल पूरी तरह से बैन हो जाएगा। स्ट्राइक, क्लेम, काफी सारी चीजें हैं भाई, बिल्कुल यूट्यूब उसको लेकर सख्त है। तो अगर आप एक क्रिएटर हैं, अगर आप प्लान कर रहे हैं यूट्यूब चैनल चालू करने का भी, तो भी बिल्कुल राइट टाइम है, आप चालू कर सकते हैं। लेकिन आपको कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कोई शॉर्टकट तरीका अपनाएं, आपको या तो यूनिक आपका कंटेंट हो या फिर आपकी कंटिन्यू मेहनत हो साथ में, तब फिर आप यहाँ पे अर्निंग ज्यादा तेजी से कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं भी यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ कि जो मेरा एक चैनल है टेक्निकल धीरेन्द्र के नाम से, उस पर मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करूँ, ताकि जो भी नए क्रिएटर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं, उनकी मैं बिल्कुल हेल्प करूंगा। इसके अलावा YouTube से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज आएगी या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, सारे वीडियोस में कोशिश करूंगा वहां पे कवर करने की। आपका क्या कहना है इसके बारे में, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? एक नया चैनल जो है टेक्निकल धीरेन्द्र के नाम से, ऑलरेडी वहां पे कुछ वीडियोस हैं, वहां पे मुझे वीडियोस कंटिन्यू पोस्ट करने चाहिए? क्या आप एग्री है मेरी बात से? नीचे मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, उस अकॉर्डिंग मैं यहां पे प्लान करूं। तो दोस्तों ये थी कुछ न्यूज जो निकल के आ रही थी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और चैनल टेक्निकल टॉक्स में अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।